बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर पीपीएससी का पेपर जो कि 20 दिसंबर 2020 में हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ज़ूलॉजी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके हम तमाम जो एमसीक्यूज हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो सूटेबल आंसर होगा इंशाल्लाह ताला हम उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले भी एक वीडियो बनाई गई है लेकिन उसमें काफ़ी रिजल्ट जो है वो ब्लर था और कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड की कि उसको ज़रा दोबारा से अगर कोशिश कर सकते हैं तो बना दें, तो मैं आपके लिए स्पेशली दोबारा से वीडियो बनाई जा रही है। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियो मिल सकें। इसके बाद इंशाल्लाह ताला बायोलॉजी के लिए टॉप एमसीक्यूज़ की वीडियो बनेगी जो आप तक इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो आइए देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इज अमाइनो एसिड विच इज द लॉस्ट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा अमाइनो एसिड बॉडी में नहीं होता, तो इसका सूटेबल आंसर होगा फिनाइल एलानिन। क्वेश्चन नंबर टू है, लिविंग्स आर स्केललेस, वो कौन से जानवर हैं जिसमें स्केल नहीं होते, तो डेफिनेटली ये फिशेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका सूटेबल आंसर होगा हैग फिशेज। इन द मेम्ब्रेनस स्केलेटन शी सराउंड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका सही आंसर है पेरिन्यूरम। पेरिन्यूरम एक पेरी का मतलब अराउंड, न्यूरम क्योंकि ये न्यूरॉन्स के गिर्द है, इस वजह से ये सही आंसर इसका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, कैलमोडुलिन इज साइटोसोलिक प्रोटीन हैज हाउ मेनी बाइंडिंग साइट्स, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अ बाइनरी नंबर 11000011 हैज डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, तो इसका आंसर होगा 99। सम मटेरियल आर नीडेड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट एंड आर कॉल्ड एज, यहाँ मटेरियल की जब मिनरल्स हैं तो इसका सही आंसर होगा मैक्रो मिनरल। क्वेश्चन नंबर सेवन, चेंज द नरेशन, फादर सेड इफ यू डू नॉट वर्क उस्मान यू विल फेल, तो इसका सही आंसर बीटा होगा। फादर वांट उस्मान दैट इफ ही डिड नॉट वर्क ही वुड फेल, क्योंकि इसमें जो फादर है वो अपने बेटे को इनकी उस्मान को वार्न कर रहा है, तो इसमें जो बेटा है वो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर एट है, स्टेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज एनर्जी डिपेंडेंट, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ऐसा पीरियड है जिसमें। क्वेश्चन नंबर नाइन है, वर्टिब्रेट फोटोरिसेप्टर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो ये हाइपरपोलराइजेशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ह्यूमन ब्रेन इज, तो ये बीटा आंसर है इसका सेरिब्रम, ये बहुत आसान सा। नंबर 11 है, इंसेक्ट बिलोंग्स टू क्लास हेक्सापोडा, क्योंकि इसमें थ्री पेयर्स होते हैं लेग्स के, इस वजह से इसका जो सूटेबल आंसर है वो अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, एक ग्लूकोज से दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसका आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर फॉर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ होता है, जबकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकर्स इन यूकेरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स, तो इसका आंसर होगा स्प्लाइसिंग। तो जब आरएनए बनता है डीएनए से तो उसमें से कुछ एंट्रॉन और एक्सॉन्स अलग अलग होते हैं यूकेरियोट्स में, लेकिन ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो इसका आंसर होगा स्प्लाइसिंग। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स आरएनए और डीएनए जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल करता है, इस वजह से चार्ली आंसर इसका नहीं होगा। करते हैं, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप्स ऑफ आइस, तो इसका आंसर होगा विट्रस ह्यूमर, चार्ली आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड पाकिस्तान ज्वाइन इन 1969, OIC, तो OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। 17 है, इन एस्थेनोस्फेयर इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इसका आंसर होगा हीट कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इज द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसका आंसर होगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। 19 स्टूडेंट्स, दैट इज मैक कॉनके एगर इज वाइडली यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्रैम नेगेटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 20, द फिशेज हैव वेल डेवलप्ड स्टमक एंड इंटेस्टाइन,
इज शॉर्टर देन दैट ऑफ हर्बीवोर्स ऑफ कंपेरेबल साइज, तो इसका आंसर होगा ग्रेसी। 21 आर्म्स आर एब्सेंट इन क्लास, इसमें से ये एकानोडर्म्स की क्लासे हैं एकानोडर्मेटा की, तो इसमें से जो चार्ली है इकनोइडिया, तो ये इसमें आर्म्स नहीं होते, इसमें आते हैं सी एच एन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्ट एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो इसका आंसर होगा एस ए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। 23 हम डिस्कस करते हैं, स्टडीज दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल डोज ऑफ एक्सपोजर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आर अक्यूट स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 24, वट इज द मेन सब्सटेंस रिजर्व इन द रीजन ऑफ डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूपाफेनोले, तो आपको पता है लूपाफेनोले के दो लूप होते हैं, एक डिसेंडिंग है एक असेंडिंग है। जो डिसेंडिंग लूप होता है वहाँ पे वाटर की रिजॉर्प्शन होती है, और जो असेंडिंग लूप होता है डेफिनेटली उसमें सोडियम वगैरह आयंस आयन की रिजॉर्प्शन होती है, तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द यूट्राइन ट्यूब टर्मिनेट इन अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 26, द माइलिन शीथ इज ड्राइड फ्रॉम माइक्रोग्लिया न्यूरोग्लियल सेल्स श्वान सेल एंड नर्व सेल, इसका आंसर होगा न्यूरोग्लियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 27, मैनी ऑफ द एनिमल when from different ancestor colonize similar habitat acquired similar adaptations and resemble with one another superficially is called as convergent evolution, maggots are usually larvae of diptera. 29, amphibians without tail belongs to order Anura, to ye question iska answer hoga delta. Question number 30, which of the following companies were the first to introduce mobile phone, तो जो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन जिस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था वो मोटोरोला था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, द सिल्वर फिश ओकेशनली डैमेज टू बुक बाइंडिंग्स, क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स वर अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट इन द पास्ट एंड कॉल्ड एज पेंगिया, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा एल। क्वेश्चन नंबर 33 है, ह्यूमन पोजेस किडनीज, तो इसका आंसर होगा मेटा नेफ्रॉन्स, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लांट स्पीशीज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज इकोटाइप, तो इसका आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इज अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सॉल्ट रेंज इन पोटोहार रीजन, तो इसका आंसर है सेक्सर्स हिल्स, अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच प्रॉफिट वाज द सिंबल ऑफ पेशेंस इन सबर, इसका राइट आंसर चार्ली है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क दैट सेटिस्फाइज द वैल्यूज, तो ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया था ओवर 49 इज इक्वल टू 9 ओवर क्वेश्चन मार्क, अगर हम दोनों क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर लें, सपोज दैट के क्वेश्चन मार्क जब हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं तो दोनों x को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 9 और 49 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 441 आता है, तो दोनों का अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये 21 आएगा, तो इसका आंसर होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स, 39 है, प्रोमोटर्स में एक्टिवेट ऑन कोचींस बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ सुप्रेसर जीन्स, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इज मोस्ट टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंसेक्ट दैट लिव इन वाटर, तो इसका आंसर होगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रिक ईल कैन डिलीवर अ इलेक्ट्रिक शॉक इन एक्सेस ऑफ 500 वोल्ट्स, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स इन न्यूक्लियोलस, तो ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा दैट इज महमूद खान, क्वेश्चन नंबर 44, नेम द फर्स्ट बिगेस्ट लॉयर हु अनाउंस द फॉल्स ब्रॉफ्रूट दैट इज मुस्लिमा कसम,
5 है, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन लाइन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 46, द डैश कोफिशिएंट इज प्रोबेबिलिटी दैट टू एलील इन एन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो लार्ज स्कोर इसका डैश। नंबर 47, ह्यूमन आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर। तो ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेट या प्राइमेटा है। क्वेश्चन नंबर 48, आई स्पेंट 20 आवर्स टू क्लीन माई गार्डन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 4 पीपल द सेम एफिशिएंसी कम टू ज्वाइन मी। तो पहले एक है, 4 उसमें 7 और मिल जाते हैं, 5 हो जाते हैं, और 5 को अगर 20 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो ये 4 आवर्स इसमें इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा डेल्टा। The number of molecules of carbon dioxide produced by acetyl group of acetyl CoA in citric acid cycle, तो ये 2 होगा इसका आंसर। Before independent East Timor was a part of Indonesia। Number 51 है, of codon is redundancy of the genetic code exhibited at the multiplicity of 3 base pairs codon combination at the specific सिटी एंड अमीनो एसिड स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो इसका आंसर होगा डीजेनरेसी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मोशन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस इन फॉर्म ऑफ, तो इसका सेस्मिक वेव्स होगा बीटा आंसर। 53 है, लिंकिंग ऑफ कैल्शियम विद कैलमोडोलिन एक्टिवेट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइकिल ऑफ स्मूथ मसल, उसका आंसर होगा MLC काइनेज। क्वेश्चन नंबर 54, इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू आर प्रोडक्ट ड्यू टू एंटीबॉडीज रिएक्टिंग विद इट एज एंटीजन इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। नंबर 55 है, एनिमल प्रोड्यूस यूरिया, तो कार्टिलेजिनस फिशेज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कार्डिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, एक्चुअली ये एक आप कह सकते हैं कि रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और स्टिमुलेट द सेंसेस और सेक्रेशन ऑफ ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। द मेजर सिस्टर फाइला ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा का जो क्लोज रिजेंबल करने वाला फाइलम है वो इनलेटा है, तो इसका सही आंसर अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन मार्सुपियल द जेस्टेशन पीरियड वेरीज फ्रॉम या बिटवीन 8 to 40 days। 59, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ, तो मोस्ट ऑफ द सोमेटिक टिश्यूज, जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना उसका जो सही टारगेट सेल होता है या टारगेट टिश्यूज होते हैं वो बॉडी सेल होते हैं यानी कि सोमेटिक सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, आइसोटोप ऑफ एटम डिफर इन नंबर ऑफ न्यूरॉन। 61 की तरफ मूव करते हैं, फ्लीज आर फीडर्स ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गैलापागोस फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ एडैप्टिव रेडिएशन डेल्टा। नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सोशल इंसेक्ट, तो डेफिनेटली इसका आंसर हनीबीज होगा। 64, आर द एजेंट्स दैट कॉज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो कार्सिनोजेंस बीटा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, एन एमनियोटिक एग प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर होगा सी टर्टल चार्ली। क्वेश्चन नंबर 66 है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन बिसाइड T3 एंड T4, तो इसका आंसर है चार्ली कैल्स्टोन। नंबर 67, द इनर सरफेस ऑफ एक्टोडर्म हैज पॉजिटिव अफिनिटी फॉर मेसोडर्म, तो जो इनर सरफेस होती है एक्टोडर्म की वो मेसोडर्म बनाने की एबिलिटी रखती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेड्रिपोराइट इज प्रेजेंट इन, तो मेड्रिपोराइट का करेक्टर है स्टारफिश का या सी स्टार का। 69 है, व्हाट काइंड ऑफ एरियाज आर नोन एज एरिड एरिया, एरिड एरिया वो होते हैं जहाँ रेनफॉल बहुत कम हो, इनके आप कह सकते हैं डेजर्ट एरिया, तो इसका आंसर होगा बीटा। मोस्ट मैमल हैव सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, यहाँ पे इसके दो तरह के आंसर बनते हैं, तो मतलब मैमल्स के अंदर
उनके जब उनकी मतलब ज़िंदगी गुजारे होते हैं तो उनमें चार सेट भी पाए जा सकते हैं, जैसे कैनाइन हैं, उनके इंसाइजर्स हैं, प्री मोलर्स और मोलर। लेकिन अगर हम दूसरे रेफरेंस से देखें तो इनमें जो मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ होते हैं, तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, तो इसका आंसर अल्फा है कैल्सिट्राइल। कार्टिसोल इन फिशेस वाटर, फ्रेश वाटर इंक्रीजेस सेल इन गिल्स, तो इसका सूटेबल आंसर, उसने सेल्स की बात की है, लेकिन जो कार्टिसोल है वो सेल्स के अंदर अपटेक करता है सोडियम और क्लोराइड आयन को, इनका दोनों आंसर हो सकते हैं। 73 है, रिसर्चर्स आर सीकिंग टू इम्प्रूव द जेनेटिक ट्रायल ऑफ द फिश नीड इन एक्वाकल्चर बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रांसजेनिक टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलस्क, तो इसका आंसर है कटल फिश। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन फीमेल फिशेज एक्सप्रेशन ऑफ FSH इज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेंटली विद, तो इसका आंसर वाइटलोजेनेसिस भी है और रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू ओसाइट्स जनरेशन, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, एन एंजाइम कॉल्ड इज फाउंड इन द बॉडी फ्लूड हैज एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, तो लाइसोजाइम इसका सही है। 77 से मूव करते हैं, टू प्रिजर्व नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देयर आर सेवरल एरियाज डिक्लेयर्ड जनरली एज, तो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं उसमें, नो डाउट कि उसमें नेशनल पार्क्स भी शामिल हैं, तो मोर जो क्लोजेस्ट आंसर है वो इसका अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेड एंड टेल बैक्टीरिया फिश, इसका आंसर होगा लैम्डा फिश। 79 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, रेड्स एंड माइस हैव ऑयस्टर साइकिल दैट रिपीट एवरी 4 to 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन आर्थ्रोपोड्स हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉट। क्वेश्चन नंबर 81, The synthesis of an RNA molecule from DNA is called, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट द स्टार्ट कोडॉन दैट इज फॉर मेथायोनिन AUG। 83 है, द वाटसन एंड क्रिक मॉडल सजेस्टेड दैट DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 84, Continuing and intimate association between two different species are. Question number 85. Cytokines follows type of cell-to-cell signaling. Autocrine. तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, autocrine और paracrine. Question number 86. Sickle cell disease in human is due to a missense mutation. 87 है, is the first step in many DNA बेस टेक्नोलॉजीज, तो आइसोलेशन है, द सेंसिटिविटी ऑफ एवियन एयर इज, तो ये इसका जो सूटेबल आंसर है वो चार्ली है 500 to 2000। TRH follows type of cell to signaling, इसका आंसर होगा पैराक्राइन। क्वेश्चन नंबर 90 है, द हिस्टोरिक करेक्टर एंड बिल्ड हेरिटेज ऑफ पोकैप इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। नंबर 91, स्टेम सेल कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस एंड कैन रीन्यू। हयात जवेद इज बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान। 93, एनी अडल्टरेटेड एलिमेंट लीक इनटू ग्राउंड फिल्ट्रेशन एंड आर कैरिड इनटू द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स, तो डेफिनेटली ये वाटर पोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ दिस एनिमल इज कार्निवोर, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। नंबर 95 तरफ मूव करते हैं, ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन विट्रो, तो ये हम बॉडी से बाहर इनके लिए लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, इसका आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 96, DNA सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज DNA पोली। नंबर 97, इन इंसेक्ट्स लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन इज अलाइव एंड सीक्रेट अपर नॉन लिविंग लेयर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन,
तो इसका नाम होगा एपिक्यूटिका। वैसे इसका आंसर ये डेल्टा भी हो सकता है, एपिडर्मस। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म, ही आस्क्ड डू आई हैव टू डू इट, इसका आंसर होगा डेल्टा। ही आस्क्ड इफ ही हैड डू टू इट। 99 नावल किसकी तसनीफ है सैर कोहसार, इसका आंसर होगा चार्ली रतन नाथ सरसार। तो अनारकली का असल नाम क्या, का क्या मरकजी किरदार अनारकली है। अनारकली इम्तियाज अली ताज के ड्रामे में है। तो इनके अनारकली का जो असल नाम वो क्या है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर डेल्टा है, नादरा बेगम। तो ये स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज फॉर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।